Hello friends, welcome back to your own channel Samriddhi Mithila Kala. Friends, जैसा कि आपने description में देखा, paper size 22 by 15 inches and nib color acrylic. और आज जो मैं theme आपके लिए बनाने जा रही हूँ वो है अर्धनारीश्वर. जैसा कि हम सब जानते हैं शिव जी अर्धनारीश्वर के रूप में भी पूजे जाते हैं और मैंने अपने पिछले वीडियोस में इस चीज़ को बार बार एक्सप्लेन किया है कि देर आर टू स्टाइल्स ऑफ मिथिला आर्ट. एक को हम कचनी कहते हैं और दूसरे को भरनी. भरनी स्टाइल जो है उसमें चित्रों को मुख्यतः अलग अलग रंगों के कॉम्बिनेशन से जो है टोटली भर दिया जाता है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड भरनी. और कचनी स्टाइल में जो हम कचनी के पैटर्न सीखते हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स जो हम सीखते हैं, उनकी मदद से पूरे फिगर को फिल किया जाता है. इसमें भरनी ना के बराबर की जाती है. इसे लाइन पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं. और हमारी आज की पेंटिंग जो हम बनाने जा रहे हैं वो मेनली हम कचनी स्टाइल में ही बनाएंगे. इट मींस इसमें जो फिगर हम बनाएंगे अर्धनारीश्वर भगवान का, उसको हम पूर्ण रूप से कचनी स्टाइल में ही कंप्लीट करेंगे. इसमें हम सारे वो जो कचनी स्टाइल्स हम सीखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ 6 to 7 कचनी स्टाइल्स जो हम सीखते हैं, उनका इस्तेमाल करके हम इस पूरे फिगर को फिल करेंगे. और अभी जो आप मुझे बनाते हुए देख रहे हैं ये मैं इस तस्वीर का दाहिना भाग बना रही हूँ और दाहिने भाग में मैं भगवान शिव का शरीर बना रही हूँ, जिसमें हम उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू बनाएंगे, रुद्रांक्ष बनाएंगे और उनके शरीर को जो है वो बाघ छाल से ढका हुआ बनाएंगे, यानी उनका जो वस्त्र है वो बाघ छाल है. दोस्तों, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, तो अगर आप इस आर्ट को स्टेप बाय स्टेप सिलेबस वाइज सीखना चाहें तो आप मुझे ऊपर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और जो ऑनलाइन क्लास है उसकी पूरी जानकारी मुझसे ले सकते हैं. फ्रेंड्स, जब भी हम अर्धनारीश्वर का चित्र बना रहे हों हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि शिव जी का जो शरीर है उसे हम हमेशा दाहिने भाग में बनाते हैं और बाएं भाग में हम माँ पार्वती का चित्र बनाते हैं, यानी आधा शरीर जो शिव जी का और आधा शरीर जो हम पार्वती जी का बनाते हैं. इसमें हमें दिशा का बहुत ध्यान रखना होता है कि दाईं ओर हमेशा शिव जी बनेंगे और बाईं ओर हमेशा माँ पार्वती बनाई जाएंगी.